है 1.5 मिनट्स और टमाटर का मीठा चटनी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 1.5 मिनट्स और टमाटर की मीठी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 टमाटर, जो कि इसको अच्छी तरह से धो के देखिए छोटा छोटा पीस में काट के रखे हैं। इसमें 50 ग्राम डेट्स चाहिए, जो कि ये डेट्स इसमें सीड्स निकाल के, ये देखिए इसमें सीड्स निकाल के रखे हैं। और हमको 2 टेबल स्पून शुगर चाहिए। शुगर की जगह पर आप जागरी भी ले सकते हैं। ये मूंगफली है, इस मूंगफली को भी 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। और इधर देखिए काश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार। यह है पचफूटन, ये आप 1/2 टीस्पून। 2 तेज पत्ता, ये देखिए 1 टेबल स्पून घी, 25 ग्राम किशमिश, 5 से 6 ये चाहिए इलायची का कूटा हुआ, इसको निकाल के कूट देंगे। और हमें 1/2 कप से कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि पचफूटन क्या है। इसमें 5 तरह का मिला रहता है मसाला, जिसमें है सौंफ, गोटा जीरा, राई, काला जीरा और मेथी। इसको मिला के पचफूटन बनाते हैं। आप घर में भी बना सकते हैं, ऐसे मार्केट में भी अवेलेबल होता है। और ये देखिए ये है कच्चा बादाम मूंगफली, इसको हम थोड़ा कढ़ाई में बिना तेल डाले इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होने से इसका छिलका को बाहर कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है और मीठी चटनी अब तैयार करते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून इसमें घी जो डाले हैं इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर इसमें ये देखिए 1/2 टीस्पून पचफूटन थोड़ा हो जाए, उसके बाद 1 तेज पत्ता, इलायची ऐसा डाल के थोड़ा भून गया है। इसके बाद जो टमाटर हम काट के रखे हैं इसको सारा डालेंगे। डाल के देखिए थोड़ा अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। इसको मिलाने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, ऐसे अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। काश्मीरी मिर्च डालेंगे जो रखे हैं 1 टीस्पून काश्मीरी मिर्च, क्योंकि इससे कलर आता है, इससे झाल नहीं होता है। ये देखिए इसमें किशमिश डाल रहे हैं। और जी ये देखिए मूंगफली को जो रोस्ट किए थे उसको छिलका निकाल के, पूरा छिलका अच्छी तरह से निकल गया है, इसको डालेंगे। और ये जो डेट्स रखे हैं देखिए ये डेट्स को डाल दें, ये सब चीज़ डाल के इसको भी हम मिलाते हैं। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से मिला लें। देखिए जब अच्छी तरह से मिल जाए, ये देखिए सारा इंग्रेडिएंट्स मिल गया है, उसके बाद हमें जागरी या शुगर को डालना है। तो हम शुगर डाल रहे हैं, देखिए इसे डाल के पूरा सीम आंच पे इसको रखना है। इसमें 1/2 कप पानी, देखिए पानी को ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1/2 कप पानी। 1/2 कप पानी डालने के बाद इसे ढक के सीम आंच पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। देखते हैं 15 मिनट हो चुका है, ये मीठा चटनी तैयार हुआ है कि नहीं। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है मीठा चटनी। अगर तैयार नहीं होता तो हमको 5 मिनट और रखना पड़ता, लेकिन देखिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है ये चटनी। आइए अब इसे बाउल में निकालते हैं। देखिए ये बर्थडे स्पेशल डिश 1.5 मिनट्स और टमाटर का चटनी। ये देखिए देखने में जितना ही खूबसूरत है
खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसे ज़रूर खाएं और इंजॉय करें। धन्यवाद।